अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस। अब तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे कॉइन के बारे में जिनका नाम और चार्म बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन इस वक्त वो किसी के भी पैसे डबोने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे। और जिस तरह मैं आपके साथ हमेशा मार्केट में पंप करने वाले या पोटेंशियल रखने वाले बी कॉइन शेयर करता हूं, आज उसी तरह मैं आपको इन कॉइन के बारे में भी आगाही दूंगा। डेफिनेटली आप इन कॉइन्स को अच्छी तरह से जानते हैं, आप में से कई दोस्त होंगे जिनके पोर्टफोलियो में ये कॉइन लाजिम मौजूद होंगे, लेकिन हम बार बार जब इन कॉइन्स के झांसे में आकर फंस जाते हैं तो सबसे पहले हम अपना सरमाया जो है या तो स्ट्रक करवा बैठते हैं या फिर स्ट्रक होकर उसके बाद हमारे जो कैपिटल है उसमें मुसलसल कमी आनी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, वीडियो को यहाँ पर आपने स्किप नहीं करना। इन तीन कॉइन्स की वजह क्या है इन दिनों फ़िलहाल मौजूदा मार्केट में बाइंग से आपको रोकने की, उसके ऊपर मैं तफसीलन यहाँ पर डिस्कशन करूँगा आपके साथ। आपने क्या करना है, वीडियो को कर देना है लाइक, चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी इम्पोर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो तो हमारे चैनल के बेल आइकन के बटन के साथ आपने ऑल के बटन को भी क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे कंटेंट की तरफ। और हमारे कंटेंट का जो आज मेन सब्जेक्ट है वो तीनों ऐसे कॉइन्स होंगे जिनका अभी आप नाम जब सुनेंगे तो आपको ये डेफिनेटली ख्याल आएगा कि भाई ये तो बड़े सुपर कॉइन हैं, इनका चार्म बहुत बड़ा है। अब रीज़न क्या है कि ये पंप नहीं कर रहे। आगाज़ करते हैं दोस्तों सबसे पहले SLP कॉइन से। इसकी प्राइस में हमें इजाफे की बजाय कितने ही पिछले समझ लें कि दिनों से, और आफ्टर दैट अगर बात करें एक लंबे अरसे की, तो 2 माह से इसके प्राइस हमें डाउनफॉल का शिकार दिखाई दे रहे हैं। SLP के सिस्टम में जो प्रॉब्लम आई उसके बाद ये कॉइन रिकवर नहीं कर सका। इवन के इसका जो समझ लें को पार्टनर जो है एक्सी इन्फिनिटी, उसकी प्राइस में भी कमी होनी शुरू हो गई। $65 का वो कॉइन इस वक्त 19 से 21 के दरमियान फ़िलहाल ट्रेड हो रहा है। और उसके क्रैश करने की वजह किसी हद तक ये भी थी कि वो टेरा फाइनेंस के साथ जो उनकी ब्लॉकचेन है उसके साथ मुंसलिक था। उसके साथ मुंसलिक होने से इनके प्राइस में बहुत फ़र्क पड़ा। और SLP जो कमोबेश 10 सेंट में आपको किसी वक्त में देखने को मिल रहा था, वो आज 00 में आ चुका है और मज़ीद अपनी पोटेंशियल खोते ही चला जा रहा है। अभी कई दोस्त इस चीज़ को नहीं समझते कि अगर आपको आज का 1.19% इसमें कम देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये परमानेंटली इसके अंदर इतनी कमी हुई है टोटल पहले दिन से लेकर आज तक। ये डेली की बुनियाद पर दोस्तों गिरता चला जा रहा है। अब ये है कि जो दोस्त इसमें एंट्री ले चुके हैं उन्हें तो मैं कतन ये नहीं कहूँगा कि आप इस कॉइन में से बाहर आ जाएँ, आप अभी स्टे करें, क्योंकि डेफिनेटली अगर आपने मिनिमम $100 का भी SLP बाय कर रखा है तो ये इस वक्त $20 पे आ चुका है और $20 का कैश आपके किसी काम पे नहीं है। और मज़ीद जो दोस्त इसमें एंट्री लेना चाहते हैं उनको यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें हैं वो शेयर करना चाहता हूँ उनके साथ कि इस वक्त हम इनके जब दोस्तों सोशल पे जाते हैं या न्यूज़ पे तो इसके न्यूज़ एंड पे कोई न्यूज़ देखने को नहीं मिल रही। इवन के यहाँ पर आपको इथीरियम से रिलेटेड जो है न्यूज़ मिलेंगी, इवन क्योंकि पहले तो ये इथीरियम के साथ भी कोलैब कर रहा था। अब यहाँ पर आकर देखते हैं कि गेम फाइट टोकन, टोकनमिक्स, ड्यूल टोकन, ब्लॉकचेन, ऐसी बातें हो रही हैं इसके प्लेटफॉर्म पे। याद रखिएगा कि कोई भी न्यूज़ किसी भी कॉइन के प्लेटफॉर्म पे जाकर किसी और कॉइन की मिल रही हो तो डेफिनेटली वो अपना कॉइन अपनी न्यूज़ से हाथ धो बैठता है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं आपको इसके सोशल यानी कि ट्विटर अकाउंट की तरफ लेकर चलता हूँ। तो ट्विटर अकाउंट पर अगर हमें SLP की कोई भी एक्टिविटी देखने को मिलती है तो डेफिनेटली हमें इसमें कुछ बेहतरी दिखाई दे सकती है। यहाँ पर भी दोस्तों इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट, कोई प्राइस पूल, कोई ऐसी चीज़ देखने को नहीं मिल रही। और लास्ट 4 जून को एक्सी इन्फिनिटी को लेकर कुछ लिंक्स यहाँ पर शेयर हुए हुए हैं इसके ट्विटर के अकाउंट में, लेकिन मौजूदा कोई अपडेट नहीं है किसी भी कॉइन को लेकर। और थोड़ी बहुत अगर कहीं पर बात हो रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ इसकी कॉन्वर्सेशन में और कम्युनिटी में आपस में मिलजुल के बैठ के बातें करने के लिए अलावा और कुछ नहीं हो रहा। ना कोई प्राइस पूल है, ना कोई इवेंट देखने को मिल रहा है। सो जितने भी हमारे न्यू इन्वेस्टर्स हैं वो इस कॉइन से परहेज़ करें। ये सिर्फ अपना चार्म रखते हैं और मौजूदा मार्केट में इनका समझ लें कि कम्प्लीटली फ़िलहाल इंतकाल हो चुका है। हमारी अच्छी खासी कम्युनिटी एक लंबे अरसे से हमें रिक्वेस्ट भी कर रही थी कि हमें इसके बारे में अपडेट दें, क्या रीज़न है। यहाँ पर कई रीज़न जुड़ जाती हैं। पहली रीज़न तो खैर इसकी अपनी ब्लॉकचेन के कुछ मसाइल थे, उसके बाद टेरा लूना का क्रैश कर जाना, क्योंकि टेरा लूना की ब्लॉकचेन भी गई है, USDT भी गया है,
तो ये भी उनके साथ निकल गए हैं। और जो इनमें से रिकवरी कर सकता है वो सिर्फ है एक्सी इन्फिनिटी, और इस वीडियो में हम फिलहाल एक्सी इन्फिनिटी के ऊपर बात नहीं कर रहे। अब बात करते हैं दोस्तों थर्ड सेकंड कॉइन के बारे में, जिसका अपना चार्म बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन फिलहाल उसमें भी कोई हमें बूस्ट आता दिखाई नहीं दे रहा। सेकंड कॉइन दोस्तों यहाँ पे जो है मार्केट में जिसका बहुत ही ज़्यादा चार्म था, उसका नाम है जैस्मी, और इस वक्त इसमें भी इन्वेस्टमेंट करना अपने सरमाए को इस वक्त बिल्कुल डायरेक्टली गोबर में फेंकने के बराबर है। सो बेटर यह है कि आप जैस्मी से भी थोड़ा परहेज करें। जो आपकी ओल्ड बाइंग है उसके पंप होने का वेट किया जा सकता है, क्योंकि इसकी हालत फिलहाल SLP जैसी नहीं है, क्योंकि SLP तेज़ी से 2 और अब तीसरे 0 में एंटर हो रहा है। यहाँ पर जैस्मी की एक अच्छी चीज़ ये है कि ये 0.1180, 0.1150 के दरमियान ट्रेड करता रहता है, और आपको डेली की रूटीन में भी थोड़ी बहुत जो कि है अर्निंग दे सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्की हो चुका है। मार्केट क्रैश करती है, क्रैश कर जाता है और रिकवर नहीं कर रहा। अब चलते हैं इसके भी हम ट्विटर अकाउंट की तरफ, और मुझे लगता है दोस्तों जिसकी इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल है, ये भी ट्विटर अकाउंट में कोई खासी अपडेट मुझे नहीं दिखने वाली। जैस्मी इज़ अवेलेबल ऑन द बाय बॉक्स 360, चेक इट द बाय बॉक्स इंडेक्स। तो दोस्तों आपके सामने इसकी लास्ट अपडेट तो फिलहाल June 2 की है, लेकिन किसी किस्म का कोई इवेंट देखने को नहीं मिल रहा। जब ऐसी न्यूज़ आपको इनके ट्विटर अकाउंट्स पे देखने को मिलती हैं और कितनी ही देर तक ऐसा ही चलता रहे तो फिर ये पंप नहीं करते। रिसेंटली बाइनांस ने इसके ऊपर जितने भी प्राइस पूल चलाए थे उसके बावजूद जैस्मी कॉइन अपनी तवक्कात पे पूरा नहीं उतर सका। लिहाजा आप अगर इसके ओल्ड होल्डर हैं होल्ड रखें, मार्केट में बेहतरी का इंतज़ार करें, और पंप ऑफ द ईयर यानी कि 2022 का जो पंप अभी बाकी है आपको उसके अंदर अपने ये कॉइन 100% कैश करने का मौका मिल सकता है। ज़हन में रखिएगा अगर आप अभी सेल कर देते हैं तो आपको अच्छा खासा घाटा हो सकता है। थर्ड कॉइन में दोस्तों मैंने ऐड किया है आज Terra Luna 2 या Terra Luna 1, या इवन के यहाँ पर मैं बात करूँगा Terra Luna के नेटवर्क की, कि क्या हमें उसके अंदर अब मज़ीद इतने ज़्यादा क्रैश देखने के बाद इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो लिहाजा मैं उसका पेज ओपन करता हूँ। लूना 2 ने दोस्तों इस वक्त तमाम इन्वेस्टर हजरात को एक मरतबा फिर से ज़बरदस्त मायूस कर दिया है, और हमारी कम्युनिटी में तकरीबन सभी इन्वेस्टरों का इस वक्त ऐसा मानना है कि इस नेटवर्क से वाकई ही बायकॉट कर देना चाहिए, और मैं भी इस बात से बड़ी हद तक इतफाक करता हूं। इसलिए जब यह मार्केट में लॉन्च हुआ तो मेरी सबसे पहले आप तमाम दोस्तों को रिक्वेस्ट थी कि आप काइंडली इसमें $50 से ज़्यादा ट्रेड मत करें, क्योंकि रिसेंटली लाखों में करोड़ों में लोगों का नुकसान हुआ, जिसको अगर हम कन्वर्ट करने बैठे तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि उसका हिसाब लगाना बहुत मुश्किल है। लिहाजा मौजूदा मार्केट में मैं समझता हूं कि वाकई ही हमें सभी को मिलकर Terra Luna के तमाम प्रोजेक्ट से इस वक्त परहेज़ करना चाहिए। बायकॉट का वर्ड दोस्तों मैं नहीं यहां पर यूज़ कर सकता, उसकी रीज़न ये है कि हर इंसान अपनी मर्जी का मालिक है। हो सकता है किसी को Terra Luna 2 ने बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट दी हो, और इवन के दी भी, जब इसकी लॉन्चिंग से पहले मैंने प्रॉपर एक वीडियो शेयर की और उस वक्त मैंने आपको बताया था कि आप इसे कोई कुकॉइन या OKX पे बाय कर लें $5 पे, तो ये जब पंप करेगा तो आप उसमें से फ़ायदा ले सकते हैं। यकीनन एक कम्युनिटी ने उससे अच्छी अर्निंग भी की। अब बात करते हैं कि इसके प्राइस इस वक्त एग्जैक्टली आफ्टर द 5 to 6 days $5 पे आ चुके हैं, यानी कि वो जो पंप था वो टेम्प्ररी था, या उसे आप फेक भी समझ सकते हैं। अभी तक आज की तारीख तक, यानी कि आज है 5 June, आज की तारीख तक Terra Luna 2 कैपिटलाइजेशन इकट्ठी करने में टोटली नाकाम हो चुका है। इस वक्त इसके जो मालकान हजरात हैं, यानी कि जो इसके Terra Luna फाइनेंस के जो ओनर हैं, उनकी इस वक्त 100% कोशिश है कि हम इसको मुश्किलों के घड़े से बाहर निकाल लाएं। सो इस वक्त इसकी पॉलिसी क्या होनी चाहिए, अब उस पर बात कर लेते हैं। पॉलिसी ये है कि अगर आप इसे बाय कर चुके हैं तो इसे होल्ड रखें, इवन के अगर ये मेरे पोर्टफोलियो में भी है तो मैं भी इसे 100% होल्ड ही करना चाहूँगा, लेकिन मज़ीद बाय करने का मैं इसमें कोई फ़ायदा नहीं देख रहा। इवन के मार्केट में ये प्रेडिक्शंस मौजूद हैं कि इसे $50 तक भी पहुँचा दिया जाएगा, चाहे वो टेम्प्ररी ही सही, क्योंकि पैसा इकट्ठा करने के लिए इसके जो ओनर हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो ट्रेंड हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा तजर्बा है। और USD को लेकर के पिछले दिनों एक खबर भी आई थी कि USD नया मार्केट में लॉन्च हो सकता है, लिहाजा ये जितनी भी खबरें हैं इससे बेहतर है कि मैं न्यू इन्वेस्टर्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मार्केट में, मौजूदा मार्केट में, आप इन तीनों कॉइन से
फिलहाल दूरी इख्तियार करें। जितने भी दोस्त इसको बाय करके बैठे हैं, अब वो उसके ऊपर जो कि है इस्तफादा करें, वेट करें। इनमें पंप आपको टाइम के साथ देखने को मिल सकता है। जितने भी ये प्रोजेक्ट लेकर आएंगे, इनके प्रोजेक्ट का इफेक्ट, खास करके टेरा लूना 2 की बात कर रहा हूँ, इसका प्रोजेक्ट जाहिरी बात है नए इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ खींचेगा तो सही, और जब खींचेगा तो इसमें पंप आएगा और आप उस वक्त पंप आने के बाद इस कॉइन में से एग्जिट ले लें। क्योंकि जब बाइनांस खुद बार बार आपको ट्रेड लेने के वक्त रिस्की कॉइन, ये कॉइन वो कॉइन खुद बता रहा है, जो कि अदर कॉइन में ऐसी ऑप्शन नहीं आती, तो हमें खुद समझ जाना चाहिए कि ये हमारे सरमाए के साथ डायरेक्टली एक खिलवाड़ है, मजाक है और हमारे पैसे की बर्बादी है। सो इससे बेहतर एक्सप्लेनेशन दोस्तों हो नहीं सकती। जो आपने मुझसे मेरी राय मांगी थी वो मैंने आपसे इस वीडियो में शेयर कर दी है। इजाज़त चाहता हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।